Hello and welcome to Key Study Point. Friends, in this video we will discuss about a fantastic work Morte d'Arthur by Thomas Malory. इस वीडियो में इसकी समरी और कुछ फैक्ट बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। हमारी प्रीवियस वीडियो भी अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कीजिए। तो शुरू करते हैं इसकी मोर्टे डी आर्थर की समरी और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट। ये कहानी है किंग आर्थर की और उनके जो राउंड टेबल्स नाइट्स थे उनकी, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पास्ट में हिस्ट्री में हमने देखा है बहुत सारे जो राजा थे वो अपने यहाँ विद्वानों को रखते थे, महारथियों को रखते थे, जो अच्छे योद्धा होते थे, ठीक है, उनको रखते थे। इसी तरह किंग आर्थर इंग्लैंड के किंग रहे, उनकी ये कहानी है। तो ये कहानी शुरू होती है, इसमें देखो 21 बुक्स हैं, काफी बड़ी मतलब एक तरह से बोलें तो वर्क है। तो इसकी डिटेल समरी तो शायद कई घंटे में हो पाएगी, लेकिन एक ब्रीफ समरी में बता दे रहा हूँ और क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा जो एग्जाम में पॉसिबिलिटी जिनको पूछे जाने की। तो किंग आर्थर की कहानी शुरू करने से पहले हम बात करते हैं किंग आर्थर के जो पिता थे किंग ओथर, उनका नाम था किंग ओथर, ठीक है। तो ये राजा थे इंग्लैंड के। तो इन्होंने क्या किया कि एक इग्रिन नाम की महिला थी जो पत्नी थी ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल की, ठीक है। ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल इनसे मिलने आते हैं किंग आर्थर से। तो किंग उथर को इग्रिन जो इनकी वाइफ है ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल की वो पसंद आ जाती है और वो एक विजार्ड है किंग उथर के मतलब किंगडम में मार्लिन नाम का, ठीक है। उससे प्लान करते हैं कि यार कैसे भी करके ना इस लेडी से इस ड्यूक को अलग करो और इससे मेरी शादी कराओ। तो वहाँ ये एक मतलब कॉन्स्पिरेंसी क्रिएट करते हैं और ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल को मार देते हैं और इसकी वाइफ को जो मर्लिन है किंग उथर को इनके ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल के फेस में चेंज कर देता है, मतलब डिस्गाइज कर देता है एक तरह से और इग्रीन के पास चला जाता है। तो किंग उथर इग्रीन से रिलेशनशिप बना लेते हैं। इसके बाद जब किंग इसको रानी इग्रीन को पता चलता है कि उसका हस्बैंड तो मार दिया है राजा ने, तो बड़ी दुखी होती है, लेकिन अल्टीमेटली इस महिला को ये लोग फंसा लेते हैं और लास्ट में क्या होता है किंग उथर से इग्रीन की शादी कर दी जाती है। तो ये एक इस कहानी की स्टार्टिंग का फेज है। अब किंग उथर और इग्रीन से एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम है किंग आर्थर, ठीक है। अब क्योंकि ये एक मतलब कॉन्स्परेंसी के थ्रू बोले कि एक षड्यंत्र बना के ये सब प्लान किया गया था, तो काफी लोग मतलब इस चीज से खफा भी थे, लेकिन कोई नहीं, किंगडम में इस तरह से होते रहते हैं। इसके बाद किंग उथर और इग्रीन ठीक ठाक राज करते हैं, बट किंग उथर की जैसे ही एज हो जाती है, काफी एज हो जाती है, तो उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन जो मर्लिन है ये बड़ा शातिर है, विजार्ड है, आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है विजार्ड कौन है, तो मर्लिन है, ठीक है। ये किंग उथर से एक मतलब प्रॉमिस ले लेता था कि जब तुम्हारे बच्चा होगा लड़का होगा तो उसको मैं पाल उसका मतलब ब्रिंग अप मैं करूंगा। तो ये जैसे किंग आर्थर का जन्म होता है तो ये उस लड़के को यानी किंग आर्थर को स्टार्टिंग में ही अपनी कस्टडी में ले लेता है एक तरह से और कहीं बाहर जाके उसका लालन पालन कराता है, ठीक है। अब क्या होता है और जिसे ये लालन पालन कराता है सर एक्टर और उनकी एक सन थे के नाम के, उनको ये सौंप के रखा होता है किंग आर्थर को। अब जैसे ही किंग उथर की डेथ हो जाती है तो इंग्लैंड में सिंहासन खाली हो जाता है, सब लोग कहते हैं कि राजा को राजा बनाओ, अगला राजा बनाओ। तो बहुत सारे लोग जो नाइट्स होते हैं वहाँ लॉर्ड्स टाइप के लोग होते हैं बड़ी बड़ी पदवी के, वो सब राजा बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ जो इंग्लैंड की चर्च थी उसने एक मतलब हम बोल सकते हैं कि स्पिरिचुअल या रिलीजियस फैक्ट बना रखा था कि एक तलवार थी एक्स कैलिबर नाम की। आपको इसका नाम याद रखना है क्योंकि नाम पूछा जाता है और पूछा जा सकता है एग्जाम में कि स्वॉर्ड का क्या नाम था। एक्स कैलिबर नाम की एक तलवार थी जिसको चर्च के लोगों ने एक स्टोन में घुसा के रखा हुआ था, पत्थरों में घुसा के रखा हुआ था, और उनकी ये मान्यता थी कि जो इस पत्थरों में से इस तलवार को खींच लेगा वही इंग्लैंड का राजा बन जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जब किंग उथर की मृत्यु हो जाती है तो ये जो मर्लिन है ये सर एक्टर से बोलता है कि उस लड़के को लेके आओ। तो किंग आर्थर जो काफी यंग एज में होते हैं उस समय वो आते हैं और सब लोग ट्राई कर रहे होते हैं उस तलवार को खींचने की, कोई खींच नहीं पाता है। जैसे हमारे यहाँ स्वयंवर होता है सीता का, इस तरह से कुछ कहानी है।
तो बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं इस तलवार को खींचने की, खींच नहीं पाते हैं, लेकिन जो किंग आर्थर होते हैं वो आते ही स्टोन्स में से उस तलवार को खींच लेते हैं, एक्सकैलिबर नाम की, ठीक है, और वो इंग्लैंड के राजा बन जाते हैं। अभी काफी यंग एज में राजा बनते हैं तो काफी लोग इनसे जलने भी लगते हैं, इनके जो शामन यानी नाइट्स टाइप के लोग थे वहां, वो काफी लोग जलते हैं, ये काफी युद्ध लड़ते हैं। इन्होंने मतलब इस बुक इन बुक्स कलेक्शन ऑफ बुक्स में बताया है कि जितने भी वॉर इन्होंने लड़े थे वो सब ये जीते थे। जो अंतिम वार था, जो ये हारे, जिसके बाद जिनकी डेथ हो गई वही लास्ट था जिसको ये हारे थे। अब इसके बाद क्या होता है कि ये राजा बन जाते हैं, बहुत सारे युद्ध होते हैं, ये उन सबको जीत लेते हैं, क्योंकि इसमें लड़ाइयों का बहुत ज्यादा मेंशन किया गया है तो वो सब चीज में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद क्या होता है, इनकी एक लेडी है गाइन वेरिस पे नजर पड़ती है और ये इससे शादी कर लेते हैं, काफी सुंदर महिला होती है। अब इन किंग आर्थर की इनसे शादी हो जाती है, लेकिन क्या होता है किंग, क्योंकि बड़े बड़े लोग कई बार इस तरह की हरकतें करते हैं, एक बोलेंगे ट्रेंड होता था कि कई कई शादियां करना, तो जो किंग आर्थर होते हैं गाइन वेर से तो शादी कर लेते हैं, लेकिन इनको एक लेडी मिलती है जिसका नाम होता है मार्गावेस, ठीक है, ये इससे मिलते हैं, जो वाइफ ऑफ लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड की पत्नी होती है, इससे मिलते हैं और इसके साथ सेंसुअल रिलेशन बना लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि मार्गवेस एक लड़के को जन्म देती थी जिसका नाम होता है मॉडरेट, ठीक है, इस लड़के का नाम। और बाद में रियलाइज होता है कि जो ये थी मार्गवेस, ये हाफ सिस्टर थी किंग आर्थर की, ठीक है, हाफ सिस्टर थी, ये किंग को पता नहीं था, ये बात बाद में ओपन होती है। और ये जो लड़का पैदा हुआ मॉडरेट, इसको एक हम बोल सकते हैं अभिशाप लगा हुआ है कि ये ही अपने फादर की मृत्यु का कारण बनेगा, ठीक है। तो इसमें कहानी में हालांकि लास्ट में होता भी ऐसा ही है, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी और बातें हैं मैं बताता हूँ। जो किंग आर्थर है वो राउंड टेबल बनाते हैं, राउंड टेबल एक फिजिकल टेबल ही है जो इसके ग्वेनवेयर के फादर ने इनको गिफ्ट की थी, तो ये उस टेबल पे अपने जो जान पहचान के नाइट्स थे उनको, या जो विरोधी भी थे उनको भी बुलाया और सबको साथ लेके इन्होंने चलने की कोशिश की, हम इंग्लैंड में सबको साथ लेके चलेंगे एक तरह से डेमोक्रेटिक स्टाइल में, और बहुत सारे नाइट्स को, डोजन ऑफ नाइट्स टेक अप ए प्लेस अराउंड ए ह्यूज फिजिकल टेबल, ठीक है, और वो सब लोग जो यहाँ नाइट्स आते हैं वो प्लेज लेते हैं और वो उस प्लेज को हर साल रिपीट करते हैं कि हम इंग्लैंड के लिए और जो किंग है उसके लिए लॉयल रहेंगे, ठीक है। तो इसके बाद बहुत सारी जो लड़ाइयाँ होती हैं वो सब ये किंग आर्थर और इसके नाइट्स जीतते हैं। नाइट्स हैं जिसमें सर ग्वेन है, लेंस लॉट है, ठीक है, और भी कई सारे नाइट हैं, लेकिन जो पॉपुलर है सबसे ज्यादा जो महान योद्धा है वो लेंस लॉट है। अब इस कहानी में एक और ट्विस्ट आता है, जो लेंस लॉट इनका नाइट है किंग आर्थर का, उसकी ग्वेनवेयर से उसका अफेयर हो जाता है, ठीक है, ग्वेनवेयर से उसका अफेयर हो जाता है और ये ग्वेनवेयर उससे प्रेम करने लगती है लैंसलॉट से, जो काफी मतलब योद्धा टाइप का करेक्टर है। हम अपने यहाँ के अगर स्क्रिप्चर से मिलाएं, रामायण से तुलना करें तो इस तरह का करेक्टर है, जैसे इंद्रजीत, यानी रामायण में जब हम देखते हैं इंद्रजीत जिस नाम करेक्टर का नाम है मेघनाथ, उसको उस तरह का करेक्टर है, काफी मतलब शक्तिशाली है। तो लैंसलॉट से ग्वेनवेयर का अफेयर हो जाता है और उनको एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम होता है मैलामेट, ठीक है। अब इसमें कहानी होती है कि एक होली ग्रेल होता है, ग्रेल मतलब एक कप की तरह एक बर्तन होता है, उसको पाने की कई बार जो ये नाइट्स लोग हैं इच्छा करते हैं तो उसको कोई नहीं लेके आ पाता है, ऐसा माना जाता है कि वो मतलब क्रिस्ट का बर्तन है और उसमें लिमिटलेस खाना और पीना रहता है, उसमें से खाने पीने की चीजें निकलती रहती हैं और वो एक रहस्यमय चीज है, ठीक है। तो उसको पाने की कोशिश करता है मैलामिट, इसको पा लेता है लेकिन उसकी तुरंत डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, पूछा जा सकता है हॉली ग्रेल क्या है, तो काइंड ऑफ कप है जो स्पिरिचुअल है जिसमें से लिमिटलेस फूड और ड्रिंक निकलता है, ठीक है। तो इन दोनों का अफेयर भी रहता है, हालांकि बाद में जब किंग को पता चलता है ये बात तो बहुत नाराज होता है, लेकिन क्योंकि वो युद्धों में बिजी रहता है तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है। और अल्टीमेटली जो मॉडरेट है ये इस पे किंग आर्थर पे अटैक करता है अपनी आर्मी लेके और किंग आर्थर की डेथ हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद जो किंग आर्थर की डेथ हो जाती है तो जिसकी जो वाइफ होती है ग्वेनवेयर, ये मतलब यहाँ से एक एकांत मतलब हम बोल सकते हैं कि राजशाही छोड़ के एकांत में चली जाती है और
मतलब उसको पश्चाताप होता है कि मैंने गलत किया लैंसलॉट के साथ अफेयर करके, अपने हस्बैंड को, लॉयल हस्बैंड को चीट करके, और फिर वो ईश्वर का स्मरण करने लगती है। और इसमें एक और करेक्टर है मॉर्गन ले फे, ये हाफ सिस्टर है इसकी, किंग की, और ये एक जादूगरनी है, ठीक है। तो ये इसको मारने की कोशिश करती है, मॉडरेट के साथ मिली हुई है ये। तो ये मेन करेक्टर हैं, ये कहानियां हैं। आई होप ये आपको पसंद आई होंगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।